रूल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप, मतलब क्वेश्चन का हिंदी क्या हुआ कि यदि हम लोग के बीच कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स है, क्या होगा, कैसे होगा। मान लीजिए हम सर हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, हमको पूरा विश्वास है आप लोग पे, आप लोगों को पूरा विश्वास है हम पे, मिल के हम लोग कारोबार चालू कर लिए, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हम लोग के बीच, कोई लिखा पढ़ी, कहें कि आप लोग तो समझ ही रहे हैं सर जी धोखा नहीं करेंगे, हम भी समझ रहे हैं आप लोग भी धोखा नहीं करिएगा, और हम लोग के बीच कारोबार चालू हो गया, ठीक है, कोई एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट का बाद में झमेला हो गया, जब लाभ का बंटवारा का टाइम आया तो मारपीट का नौबत आ गया, तो हम लोग मारपीट करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोर्ट में। बात समझ में आ रहा ना, मारपीट सॉल्यूशन नहीं है इधर, क्या सॉल्यूशन है, कोर्ट में। तो कोर्ट में जाएंगे तो जो जज है क्या बोलेंगे, पहले क्या मांगेंगे, पार्टनरशिप डीड लाइए, आप लोग का क्या एग्रीमेंट था दिखाइए। तो इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड हम लोग के बीच है तो डू एज पर डीड, डीड में जो लिखा रहेगा वही करना होगा। हम लोग के बीच पार्टनरशिप डीड है तो डीड में जो लिखा है वही करना होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, एग्रीमेंट में जो भी है, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो एग्रीमेंट को पढ़ के देगा, वहाँ जो जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से फैसला सुना देगा। बट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हम लोग के बीच कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या फैसला होगा, देखो, शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली, शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली, हम लोग के बीच जो भी लाभ घाटा का बंटवारा होगा वो बराबर बराबर होगा। झमेला किस बात का हुआ था, तो मान लीजिए कि कोई ज़्यादा पूंजी लगाया है, कोई कम पूंजी लगाया, हमसे हम एकदम कम पूंजी लगाए हैं, तो जो ज़्यादा पूंजी लगाया वो क्या बोल रहा है कि पूंजी के हिसाब से भाई प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए। क्यों बोलेगा ऐसा बात, क्योंकि उसको ज़्यादा मिलेगा, बात समझ में आ रहा है, और हम राजी नहीं है, क्यों, क्योंकि पूंजी के हिसाब से अगर प्रॉफिट का बंटवारा होगा तो हमको कम मिलेगा, सबसे कम पूंजी हम लगाए हैं। तो इसी बात का लेके झमेला हुआ था, तो कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, प्रॉफिट्स और लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली, शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा बराबर बराबर होगा भाई। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। मान लीजिए आप बिजनेस को लोन दिए हैं, हम लोग के कारोबार को लोन का जरूरत था, हम लोग कहीं बाहर से लोन नहीं लेके आप ही से ले लिए, आप कैपिटल के तौर पे पैसा नहीं दिए, पूंजी नहीं दिए, आप लोन दे दिए, बात समझ आ रहा है, हम लोग तो जो शुरू में पूंजी लगाए थे वो तो है ही, हम लोग आपसे और पैसा बोले कि और पूंजी लगाइए, तो आप पूंजी के तौर पे नहीं दिए, क्या दिए, लोन दिए। तो अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर जब लाभ हुआ तो आप बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई, हम इंटरेस्ट लेगा मार्केट के अनुसार, मार्केट में जैसे इंटरेस्ट का रेट चल रहा है 10% 12% 15% उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट लेगा, तो आपको उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, उसके हिसाब से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% साल का, आप जो भी बिजनेस को लोन दिए हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% साल का, ईयरली, क्लियर है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अकेले कारोबार को संभाल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक खट रहे हैं, तो झमेला में आपका भी योगदान है, आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमको सैलरी मिलना चाहिए, आप बोल रहे हैं हम सुबह से लेकर रात तक खट रहे हैं, कहीं और खटे होते तो हमको तनख्वाह मिला होता, जो भी 10,000 12,000 15,000 रुपये महीना मिला होता, तो हमको यहाँ भी हमको सैलरी चाहिए, आप डिमांड कर रहे हैं ऐसा, तो आपका डिमांड पूरा होगा, नहीं होगा, क्लियर है। आप डिमांड कर रहे हैं कि आपको कमीशन चाहिए, आप कस्टमर पकड़ पकड़ के लाए हैं, ठीक है, तो आपको कमीशन चाहिए, तो
सी नंबर देखिएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। पार्टनर्स सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगा। पार्टनर्स कमीशन और एनी अदर रेमुनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। क्लियर है? देखिए फिर से समझा रहे हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पार्टनर सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगा। पार्टनर्स कमीशन, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा। और एनी अदर रेमुनरेशन या किसी भी तरह का कोई भी मेहनताना मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा। विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी को भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बिजनेस से पैसा निकाल निकाल के घर खर्चा में लगाए हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। बिजनेस से पैसा निकाल निकाल के घर खर्चा में लगाए हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अगर मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, अकेले का मालिक है, तो इस ड्रॉइंग का और उसका इंटरेस्ट का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि मेरा ही पैसा है बिजनेस में। वहां से हम निकाल के घर खर्चा करें या घर से फिर हम पैसा बिजनेस में लगाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम लोग पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं, साझेदारी व्यवसाय, तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम अराइज होता है भाई? कि एक लिमिट तय कर दिया जाता है कि कौन कितना रुपया घर खर्चा के लिए निकाल सकता है, या कौन कितना रुपया निकालेगा उस पर कितना इंटरेस्ट देगा। ये इंटरेस्ट वाला जब क्लॉज आता है, तब आदमी सोच के पैसा निकालता है कि इंटरेस्ट पैसा निकालेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसीलिए ड्रॉइंग कम होता है। बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग बिजनेस से पैसा निकाल निकाल के घर खर्चा में लगाए हैं, तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन लेगा? बिजनेस लेगा। कब लेगा? यदि हम लोग के पास एग्रीमेंट रहेगा तब लेगा। यदि हम लोग के पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो तब क्या होगा? देखो, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा। एकदम साफ साफ समझ में आ गया? क्लियर है?